And also hello guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So जी guys, हम मैथ समझ रहे हैं, continue है. तो continuously मैथ समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी आइए हम समझते हैं आज क्लास में पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन 2 कंटिन्यू है, समझ रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 4 समझेंगे. तो क्वेश्चन 2 में क्या है उसको रीड आउट करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट. इसको अगेन डिफाइन करता हूं कि लोकस वर्ड का मतलब क्या है. तो कह रहा है कि इक्वेशन फाइंड करें ऑफ द लोकस, मींस उस लोकस की इक्वेशन फाइंड करें. लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट मींस पॉइंट जो वो मूवेबल है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पॉइंट मूव कर रही है. तो पॉइंट ए पॉइंट से एक जगह से दूसरी जगह पे पॉइंट मूव कर रही है, तो मींस उसका पाथ बनता जा रहा है, ट्रेस होता जा रहा है. दैट ट्रेस दैट पाथ इज नोन एज लोकस. सही है, मींस एक जगह से पॉइंट मूव हुई दूसरी जगह पे, तो वो सेम ट्रेस बन गया, मींस पाथ बन चुका. तो दैट पाथ इज नोन एज द लोकस. अब उस लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी है. सही है, अब वो लोकस कैसे बन रहा है वो पार्ट नंबर 4 समझिए. उसमें उनकी कंडीशन अलग से दे रहा है एंड देन उसको डायग्राम से हिसाब से ड्रॉ करेंगे एंड देन उसका लोकस जो बनेगी उसकी इक्वेशन फाइंड होगी. सो कह रहा मूविंग पॉइंट जो है उसका लोकस है, उसकी कंडीशन क्या है सर, दैट इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस. मीन्स जो मूविंग पॉइंट है वो उसकी बात कर रहा है. तो मूविंग पॉइंट ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स फर्स्ट एंड सेकंड. जो मूविंग पॉइंट है वो मूविंग पॉइंट है ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है, सेम डिस्टेंस है. ठीक है, तो डायग्राम ड्रा करेंगे आपको फुली समझ में आएगा मतलब क्या है सॉल्यूशन. सो इसके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे ताकि पॉइंट को हम प्लेन में इजीली लोकेट कर सके. y एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस नेगेटिव है, x एक्सिस ओरिजिन एंड x एक्सिस नेगेटिव. सो नाउ लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट, दैट पॉइंट इज p, x कॉमा y, p इज अ मूविंग पॉइंट. सही है, इसको सपोज लिखेंगे यहां पर लेट p x कॉमा y इज ए मूविंग पॉइंट. सही है, सपोज दिया उस मूविंग पॉइंट को हमने लोकेट किया इन द प्लान में, तो आप क्या करेंगे, तो ये मूविंग पॉइंट जो है इट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीस पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे. अब फर्स्ट पॉइंट है प्लान में, हम कह रहे हैं यहां पर लेट्स फॉर एग्जांपल पॉइंट का नाम दे रहे हैं फर्स्ट पॉइंट के से, तो के माइनस बी एंड के प्लस बी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए का. सेकेंड पॉइंट बी है, इस पॉइंट में हम दे रहे हैं पॉइंट बी और उनके कोऑर्डिनेट्स हैं ए प्लस बी का मा ए माइनस बी, दोनों पॉइंट्स को लोकेट किया. अब पॉइंट बी से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो एंड पॉइंट बी का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट है, क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रहा है. सही है, अगेन से रिपीट करता हूँ, पॉइंट बी मूविंग पॉइंट है, उस मूविंग पॉइंट को हमने लोकेट किया प्लेन में, उस मूविंग पॉइंट बी के हिसाब से तो कह रहा था पॉइंट बी जो है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड सेकंड पॉइंट बी, ए एंड बी पॉइंट्स के नाम दिए. तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस पॉइंट का है दैट विल बी इक्वल्स टू पॉइंट बी टू पॉइंट बी. सही है, तो ये कैलकुलेट करें. ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन. तो अब गिवन क्वेश्चन में है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट बी, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल है. तो कह रहा है ए से बी तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू पॉइंट बी से लेकर पॉइंट बी तक का डिस्टेंस ऑलवेज बी इक्वल.
ठीक। अब इस कंडीशन को यूटिलाइज करके सॉल्व करें। अब देखिए इस कंडीशन में है क्या, इस कंडीशन में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू पॉइंट बी दैट विल बी कैलकुलेटेड। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट बी, ये भी कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन नहीं है तो पॉइंट मौजूद है आपके सामने, तो इन पॉइंट गैप से डिस्टेंस कैलकुलेट कराया जाएगा। क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ए पी का डिस्टेंस एंड बी से लेकर पी तक पॉइंट का डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, ये लिखा लिखना जरूरी है ताकि समझ में इजीली आ जाए। ठीक है, सो अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो भी लिखा जाएगा। सो हियर b is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square complete term in the square root। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस फॉर्म। ठीक है गाइस, सो अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो लोकेट किया कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब डिस्टेंस किसका फाइंड करना है आपको, तो डिस्टेंस यहां पर लिखा है हमने डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहले ये फाइंड करेंगे। ठीक है, सो फॉर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे उन पॉइंट्स की वैल्यूज क्या है। सो हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर a minus b and a plus b, these are the coordinates of point a, and second point a is point b, and second point b ke coordinates are x comma y. So because point b is the moving point, whose coordinates are general coordinates, inke coordinates generally hame suppose diye hain, sahi hai? A point a first point hai, b second point hai. तो फर्स्ट पॉइंट है मीन्स उन कोऑर्डिनेट्स के जो नेम असाइन करेंगे वो x1 एंड y1, सेकंड पॉइंट p है तो x2 एंड y2 नेम असाइन करेंगे ताकि फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने में आसानी होगी। सो x1 की वैल्यू मीन्स a माइनस बी, y1 की वैल्यू a प्लस बी, x2 की वैल्यू x है एंड y2 की वैल्यू y है। सही है, अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सो आइए देखते हैं, अब डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से। ये डिस्टेंस है AP का, नाउ पॉइंट A का डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है x माइनस x1, x1 की वैल्यू है a माइनस b ब्रैकेट ओवर एंड होल स्क्वायर x माइनस a प्लस b, दो टर्म्स हैं इसलिए नेगेटिव साइन के बाद ब्रैकेट दीजिए प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू a प्लस b ब्रैकेट ओवर एंड होल स्क्वायर कंप्लीट टर्म स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए इन द फार्मूला। अब करेंगे सिंपलीफाई। सो अब इनकी सिंप्लीफिकेशन x माइनस एंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर के साथ माइनस है तो माइनस इनटू माइनस प्लस b होल स्क्वायर। अब देखिए ये तीन टर्म्स प्लस माइनस हो रहे हैं होल स्क्वायर है, मगर प्लस या माइनस नहीं हो सकते बिकॉज थ्री टर्म्स आर डिफरेंट टर्म्स, प्लस बाय माइनस a माइनस ब्रैकेट के अंदर ये पॉजिटिव टर्म है तो माइनस इनटू प्लस माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट टर्म स्क्वायर रूट। सही है, ठीक। तो ये डिस्टेंस आया है ए पी का, इसको मजीद फिलहाल सामने कर। ठीक है, क्योंकि नया प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, जस्ट होल स्क्वायर है, स्क्वायर बाद में रिमूव करेंगे। एंड आप सिमिलरली सेकंड साइड का डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं। सिमिलरली फॉर फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट पी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट पी ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ये फाइंड करेंगे।
similarly by using distance formula. सही है? So point B and point B दोनों के coordinates यहाँ पर लिखेंगे. तो coordinates of point B are A plus B, comma A minus B at point P के coordinates हैं x comma y. ठीक. अब point B is the first point means coordinates x1 A plus B and y1 की वैल्यू a minus b. फर्स्ट पॉइंट है मींस x1 का वो y1. p इज द सेकंड पॉइंट सो x2 मींस x and y2 की वैल्यू 1. अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके डिस्टेंस फार्मूला में पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट b टू पॉइंट p इक्वल्स टू डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट साइन x2 minus x1 होल स्क्वायर. स्क्वायर साइन x2 की वैल्यू x माइनस फॉर्मूला की साइन x1 की वैल्यू है a plus b. तो a plus b ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस साइन ये जो है दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी इसीलिए ब्रैकेट प्लस साइन प्लस फॉर्मूला की साइन है. नेक्स्ट ब्रैकेट y2 minus y1 so y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू a माइनस b. so a माइनस b ब्रैकेट में टर्म लिखा जाएगा होल स्क्वायर रूट. ठीक है. तो सिंपल वैल्यूज जो है x1 y1 x2 y2 की सब्स्टिट्यूट किया मैं इन द डिस्टेंस फार्मूला. मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना फ्रॉम पॉइंट b टू पॉइंट p का. सो आप लोग सिंपलीफिकेशन की x माइनस ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ब्रैकेट रिमूव हो जाए माइनस a माइनस ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो माइनस इनटू प्लस माइनस b होल स्क्वायर साइन प्लस साइन y माइनस a. अब माइनस ब्रैकेट के अंदर ये माइनस मौजूद है माइनस मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा प्लस b कंप्लीट ब्रैकेट होल स्क्वायर. सो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट b टू पॉइंट p तक. ठीक है. दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट किए ap एंड bp. तो अब डिस्टेंस कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन अब हो गई है. इक्वेशन नंबर 1 जो दी हुई है तो इक्वेशन 1 में इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो आई नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट इक्वेशन 1 जो है वो पहले एग्जैक्टली सेम लिखेंगे. ये क्वेश्चन वन से हम लिखी. ठीक जो भी है वो अब इन दोनों डिस्टेंसेस की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ए पी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट साइन एक्स माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस बी कंप्लीट टर्म स्क्वायर रूट इक्वल्स टू साइन b से लेकर p पॉइंट का डिस्टेंस ये भी सब्स्टिट्यूट करेंगे स्क्वायर रूट में x माइनस a माइनस b होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस b होल स्क्वायर ये कंप्लीट टर्म स्क्वायर रूट में. ठीक. अब बोथ स्क्वायर रूट फैक्टर्स आर इक्वल एंड दोनों पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हटाएंगे. स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे by squaring r both side squaring करेंगे तो इनका square root जो है वो remove हो जाएगा. so y minus a minus b whole square square root whole square x minus a minus b whole square y minus a plus b whole square square root में and whole square. ठीक. अब स्क्वायरिंग क्यों किया क्योंकि ताकि स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए एक क्वेश्चन मिले हमें. तो अब देखिए स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा बाकी टर्म एक्स माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है. स्क्वायर रूट रिमूव इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अगर ये तीन टर्म्स प्लस माइनस हो रहे होल स्क्वायर तो चार फैक्टर्स हैं
तो तीन टर्म प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, होल स्क्वायर रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले की मदद से इनको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। सो अब देखिए कैसे रिमूव करते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस साइन ए, तो यहाँ पर सेकंड टर्म जो बी प्लस है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन इस टर्म के साथ लेंगे, जैसे माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। फॉर्मूला तो सारे पॉजिटिव थे, मगर अगर जो टर्म हम इवैल्यूएट कर रहे हैं जो नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन उस ब्रैकेट के अंदर लेंगे, सही है। उसके बाद प्लस टू ए मीन्स एक्स एंड बी मीन्स माइनस ए, ठीक। प्लस टू बी इंटू सी मीन्स माइनस ए एंड माइनस बी, सेकेंड टर्म ये है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बी एंड सी मीन्स सेकेंड एंड थर्ड टर्म। प्लस टू सी इंटू ए, सी मीन्स लास्ट टर्म, बी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स, सही है। एंड देन इस टर्म की बी स्क्वायर खत्म होगी, फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, जबकि माइनस ए है वो माइनस ए होल स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस टू ए इंटू बी मीन्स वाई मल्टीप्लाई माइनस ए साथ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, प्लस टू बी इंटू सी मीन्स सेकेंड एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नेगेटिव टर्म है माइनस ए एंड माइनस बी के साथ, ठीक है। एंड देन अब देखिए माइनस ए माइनस बी, उसके बाद प्लस टू सी इंटू ए, सी मीन्स माइनस बी, ए मीन्स वाई, माइनस बी एंड वाई सी ए, ठीक। तो जस्ट अब लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म की उनकी स्क्वायरिंग खत्म हुई है, अब इक्वल टू साइन, ये इक्वल साइन यहां पर दिए, वहां पर स्पेस नहीं है इस कंटिन्यूअस। अब साइन प्रोसेस कोई एक्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म इज माइनस ए स्क्वायर थर्ड टर्म माइनस बी स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म माइनस ए प्लस टू सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म माइनस ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। उसके बाद प्लस टू थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा माइनस बी एक्स के साथ, एंड देन प्लस साइन अगेन इस टर्म की स्क्वायर खत्म होगी, तीनों टर्म पे स्क्वायर देंगे, फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के साथ है माइनस ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस थर्ड टर्म बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए मीन्स वाई बी मीन्स माइनस ए प्लस टू बी इंटू सी सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म माइनस ए बी के साथ, उसके बाद टू सी इंटू ए मीन्स थर्ड टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ सी ए, सी मीन्स थर्ड टर्म ए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो टू बी फर्स्ट टर्म इज वाई बी मल्टीप्लाई वाई के साथ, सही है। सिंपल फॉर्मूला यूज किया है इसलिए लेंथी हुआ है, हर टर्म पे सेम फॉर्मूला है, पर फॉर्मूला में पॉजिटिव साइन थी इसलिए थोड़ा केयर करना। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन ब्रेकेट के अंदर माइनस है माइनस टू ए एक्स प्लस ब्रेकेट के अंदर माइनस माइनस टू ए बी प्लस टू बी एक्स प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव नंबर होल स्क्वायर की वजह से प्लस हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर की वजह से प्लस ये अंदर ब्रेक बाहर माइनस है प्लस टू माइनस माइनस टू ए वाई प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी तो माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा मीन्स ये प्लस टू ए बी प्लस ब्रेकेट का जो माइनस है प्लस टू माइनस माइनस टू बी वाई, ठीक।
अब इक्वल्स टू ये राइट साइड x स्क्वायर sin है माइनस a स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा होल स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर मींस इवन पावर, एंड देन प्लस ब्रैकेट के अंदर ये माइनस माइनस 2ax प्लस ये माइनस ब्रैकेट के अंदर यहां पर माइनस है तो माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा 2ab ठीक, प्लस ये माइनस है प्लस इनटू माइनस माइनस 2bx प्लस ये y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगी प्लस बी स्क्वायर प्लस ये माइनस है प्लस इनटू माइनस माइनस 2ay ay ठीक है, एंड प्लस ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो प्लस इनटू माइनस माइनस 2ab एंड ये प्लस 2by sin ठीक है। सो थोड़ा कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें तो टर्म्स का और जाए कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। सब देखें ये टर्म हुआ सिंप्लीफिकेशन के बाद, अब क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है कुछ राइट हैंड साइड पे टर्म है, जो लाइक टर्म है उनको आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं तो करेंगे। सो इस साइड पे मूव होता हूं, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर तो लेफ्ट हैंड साइड पे इतने सारे टर्म्स हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर सिंपल एक ही बार है तो सिंपली एक्स स्क्वायर ठीक। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में दो टर्म्स आ गए लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर प्लस में जाएगा प्लस 2 ए स्क्वायर ठीक। उसके बाद बी स्क्वायर प्लस में है, ये भी बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस करेंगे 2 बी स्क्वायर ठीक, 2 ए एक्स ax तो लेफ्ट हैंड साइड पे ax में कोई भी टर्म नहीं है तो ये 2ax sin लिखेंगे माइनस 2ax माइनस 2ab एंड ये 2ab प्लस में कैंसिल हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है ठीक है। उसके बाद 2bx तो 2bx सिंगल टर्म है ये भी sin रहेगा एंड देन प्लस y स्क्वायर अकेला टर्म है यही रहेगा प्लस y स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया बाकी माइनस 2ay माइनस 2by ये सम लिखेंगे ठीक, माइनस 2ay माइनस 2by इक्वल टू साइन क्योंकि अब राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो भी साथ लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर सेम रहेगा। उसके बाद a स्क्वायर ये भी a स्क्वायर, a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ठीक। उसके बाद ये b स्क्वायर प्लस में है, ये b स्क्वायर प्लस में है दोनों प्लस करेंगे तो 2b स्क्वायर ठीक। उसके बाद 2ax माइनस में है ये सही रहेगा माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस 2ab सिर्फ एक ही टर्म कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया 2bx माइनस में सेम है प्लस y स्क्वायर सेम है a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया माइनस 2ay प्लस 2by अब दोनों टर्म लिखेंगे माइनस 2ay प्लस 2by सही है। तो दोनों टर्म जो एडिशन हो रही थी लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म इक्वल्स टू ये राइट हैंड साइड टर्म आपस में प्लस माइनस जितने भी हो सके थे प्लस माइनस किए। अब क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे जो लेफ्ट टर्म है सारे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे एक ही साइड पे एंड देन सिंपलीफाई करेंगे। सो देखिए ये x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2bx प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 2by सेम एग्जैक्ट टर्म लिखे हैं कोई चेंज नहीं। अब राइट हैंड साइड वाले टर्म उस साइड के टर्म शिफ्ट हो गए तो प्लस वाले माइनस में माइनस वाले प्लस हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर प्लस में तो माइनस में 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2bx माइनस y स्क्वायर प्लस 2ay माइनस 2by इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 क्यों क्योंकि सारे टर्म शिफ्ट हो चुके हैं बाकी उस साइड पे 0 रह गया सही है।
ठीक, अब करेंगे कैंसिलेशन। देखिए x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, 2b स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, 2ax माइनस में 2ax प्लस में कैंसिल हो गया, 2bx प्लस में है 2bx यहां पर b प्लस में सेम, तो इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4bx, 2 प्लस 2 4bx वेरिएबल में सेम, y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में कैंसिल, 2ay माइनस में 2ay प्लस में कैंसिल, 2by माइनस में 2by भी माइनस में, सही है साइन सेम है प्लस करेंगे 2 into 4 मगर माइनस 4by इक्वल टू 0, सिंपली ये टर्म बचा, सही है दो टर्म है। अब दोनों टर्म में 4b कॉमन है, 4b कॉमन लिया तो x माइनस यहां पर y इक्वल टू 0, ठीक x माइनस फैक्टर के साथ 4b मल्टीप्लाई होगा तो साइड ब्रैकेट डिवाइड हो जाएगा, सो x माइनस y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर आंसर इज 0, तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, सो इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है गाइस, लेंथी जरूर हुआ क्योंकि तीन टर्म प्लस होते हैं होल स्क्वायर, तो यहां से लेंथी आपके सामने, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि समझ में आ जाए क्योंकि थोड़ा लेंथी है, गौर से समझिएगा, एक बार फाइनल आंसर आपके सामने है, सिंपल मेन चीज आपको अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई, डायग्राम ड्रॉ कर लिए एंड कंडीशन को समझा, यही चीज है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा, अगर नहीं आया तो आप इसको अकेले लगे देखें प्रैक्टिस करें, ठीक है, इस फल ऑफिस।